नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। नसरुल्लागंज की ग्राम पंचायत तिलाड़िया के लोगों ने आरोप लगाया कि गांव में विकास के नाम सिर्फ पैसे निकाले जा रहे हैं। यहां लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। ग्रामीण मस्तान सिंह राजपूत ने बताया कि जब ग्राम विकास के कामकाज का हिसाब मांगा गया तो सहायक सचिव कमल सिंह धावरे द्वारा गाली गलौज की गई, साथ ही ग्राम सभा की भी मुनादी कराई गई, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी कोई नहीं पहुंचा। आज इसी संबंध में SDM को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई, जिस पर SDM दिनेश सिंह तोमर ने मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की बात कही। समाज से आप समझते तो सर वो उसकी भी धमकी देते हैं हम लोग को, क्योंकि हम सब लोग राजपूत हैं सर। जी, क्या दिक्कत है, किस बात का आवेदन आप लोगों ने दिया है? सर, आवेदन ये दिया है हमने कि हमने ग्राम पंचायत तिलाड़िया में सभी युवाओं ने मिलकर सूचना का अधिकार यानी कि सूचना मांगी थी आपसे, तो उन्होंने सूचना देने की बजाय वहाँ पे ये शब्द बोला है जनपद भवन में, सॉरी पंचायत भवन में, कि ऐसी नौकरी की माँ की चूत, तो आप ही बताएं इनके खिलाफ क्या होना चाहिए। क्या सर, सस्पेंड होना चाहिए। वो आदमी मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में नौकरी नहीं करेगा। ये हम ये चाहते हैं, हमारी चाहत है। किस बात को लेके उसने ये बात कही? हमने हिसाब मांगा था सर, ग्राम विकास के लिए हम सब एकत्रित हुए थे और हमने सबने हमारा जो है व्यक्तिगत रूप से हमारी राय रखी थी। हमने किसी भी कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं कहा था। उस व्यक्ति ने हमें एकदम से एकदम आया वो ताम और इस नौकरी की माँ का चूत ये शब्द कहे सर। गांव के जो विकास की आप बात कर रहे हैं तो क्या विकास हुआ है? विकास सर आप खुद देख लेंगे, आप जाके देख लेंगे वहाँ पर, तो आप भी कहेंगे कि ये बुधनी विधानसभा का गांव है क्या? आप उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे। क्या और स्थिति है अभी गांव के विकास? सर स्थिति तो आप लोग देख ही चुके होंगे और माननीय हमारे गाँव के नेतागण भी कुछ है, अब वो खुद ही वहाँ कर देंगे। अर्जुन सिंह परियार, तिलाड़िया। अर्जुन सिंह जी, क्या मामला है जो पूरे गांव के लोगों में एकत्रित होके आए हैं? मामला ये है कि कल जैसे युवा टीम सचिव और अपने सरपंच महोदय इनके पास में पंचायत में पहुंची थी, 15 अगस्त था, झंडा बंधन करने के बाद में बैठे थे तो इनने हिसाब मांगा था जी। अब हिसाब मांगने में सचिव अपने गलत शब्दों का प्रयोग करके और हिसाब देने के लिए इनकार करने लगा। हिसाब क्यों मांगा जा रहा है? नहीं, मांगने का तो सराहनीय काम है, कोई भी मांग सकता है। मांगा क्यों जा रहा है? क्या विकास में कुछ घपले हुए हैं? घपले की तो जानकारी देखो, अब ये कानूनी कार्रवाई होगी, उसके बाद में घपला जो भी होगा मालूम पड़ जाएगा। बाकी मांगने का इनका हक है और हर आदमी का हक है, बिल्कुल मांगना भी चाहिए। विकास होना चाहिए गांव में, ग्राम में विकास होना चाहिए और ग्राम के प्रति विकास के लिए कोई भी आदमी आवाज उठा सकता है। यानी उन्होंने अवसरता की, उस बात से आप उत्तेजित होके आज उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर आए। निश्चित रूप से गांव के विकास के बारे में क्या कहेंगे? विकास होना चाहिए और नहीं, अच्छा, अभी क्या स्थिति है? देखो, विकास तो हुआ है, जैसे विकास होना चाहिए उस प्रकार से विकास पंचायत में नहीं हुआ। आपके यहाँ स्ट्रीट लाइट का पैसा निकला है क्या? स्ट्रीट लाइट लगी है सड़कों पे? ये इसकी जानकारी पंचायत को कल पूछा भी था, पंचायत द्वारा सरपंच महोदय से बात हुई तो सरपंच महोदय ने बताया कि ये अपने MPB के हवाले है, उनका काम है ये, हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं। पंचायत खुलती है प्रतिदिन? पंचायत तो खुलती है मगर टाइम नहीं है उसका निश्चित कि कब खुल जाए और कब बंद हो जाए। नहीं, सोमवार और गुरुवार में पंचायत खुलती है। आपने कई जगह रोड की समस्या भी देखी गई, क्या कहेंगे आप? रोड तो बना हुआ है मगर क्या है, गांव की स्थिति ऐसी है जैसे कहीं कहीं नीची जगह है तो वहां ऊपर की मिट्टी बेक है और नाली के बगल में कच्ची जगह है जो अपने रोड के बगल में कच्ची जगह होती है। वहां पर रोड नीचे है, नालियां ऊपर है, ये हमारे ग्राम का विकास है। आप देख लीजिए, मेरा मीडिया से विनम्र निवेदन है कि हमारे ग्राम में पहुंच गए, हमारे ग्राम की स्थिति देखिए आप। हमारे ग्राम की स्थिति दयनीय है कि मैं बता नहीं सकता, आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और हमारे ग्राम पंचायत की ग्राम की स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल है जो कि उस स्कूल में आप कचरा गौशाला बनी हुई है,
जहाँ पे बच्चे उस जिस नल में पानी पीते हैं उस नल के आनी गानी जो कचरा है उनने बना रखी है गौशाला जो हमारा जो नल लगा हुआ है बच्चों के पानी पीने का गटर भरा हुआ है पानी अब वही पानी नीचे जा रहा है वही बच्चे पी रहे पानी। और सर स्कूल की स्थिति तो आप हाई स्कूल कैसी होना चाहिए आपके हिसाब से? ठीक कल देखते हैं। ग्राम सभा के दौरान सहायक सचिव द्वारा आवेदनता की गई ग्रामीणों से कुछ तो उसके लिए ग्रामीणों ने आवेदन दिया क्या कर रहे हैं? हाँ आज ग्रामवासी तिलाड़िया के द्वारा एक आवेदन मुझे प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि वहाँ के रोजगार सहायक जो है उसके द्वारा ग्रामवासियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया तो उसमें संज्ञान में लिया है उसको और मैंने नायब तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से उसको जाँच करने के निर्देशित किया है और सत्यता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में एक मामला जो निमोटा का आया था। खबर समय जगत के लिए नसरुल्लागंज से हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।